एंड गॉडल जोनाथन लेकिन फीनिक्स वो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए, वो आगे आएंगे जोनाथन, उन्होंने वो आखिरी फिनिश निकाला वन वन की बैटल फियर्स, वो चौथा फिनिश भी अपने खाते में लेके जाएंगे, कोई तो इस खिलाड़ी को रोकिए। नोवा सुपरनोवा बनते हुए सारंग को टेक डाउन किया, ये क्या बेहतरीन तरीका था, और अभी भी वो क्लच करने के लिए तैयार बैठे हुए, आगे की तरफ अग्रसर हुए, एक और खिलाड़ी को डाउन किया, डीबीएस के साथ आगे जाने की कोशिश जोकर, वो एक और टॉस निकालेंगे एंड गॉडल जोनाथन दिस वाज, ये तो बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी, आई थिंक इसकी इसकी कहानी तो मतलब नेवर एंडिंग है। तो हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, देन कुछ लोगों के चक्कर में, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोगों के चक्कर में, वो छोटा था उस टाइम पे, ही स्टिल यंग, बट कुछ लोगों के चक्कर में गलत चीज़ें दिमाग में आई, मेरे दिमाग में आई, सामने वाले के दिमाग में आई, उससे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, फिर इवेंचुअली चीजें बिगड़ गई, एंड दिस हाउ इट इज। अभी भी दोस्त नहीं है आप लोग? प्रोफेशनली यस, वी आर गुड फ्रेंड्स, प्रोफेशनली बोलते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ही इज एन एथलीट फ्रॉम माय इरा, हम लोग 2018 से वो भी ग्राइंड किया, मैंने भी ग्राइंड किया, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एज अ प्लेयर, बट या प्रोफेशनल। एक साथ फाड़ दो आर्ट, कोई भी आर्ट, प्लेन स्पैम करो, आर्ट स्पैम करो, 500 सब कुछ मसाला है ओके, देखो गाना तो लगा दूं, बट मुझे क्या मिलेगा, मुझे हेट तो मिलेगी, वो तो है, बट ओनली ऑन वन, एक चीज पे चैट, सुनोगे मेरी बात, मेरे सर के ऊपर का बोझ और बढ़ा दो और 91 पर रोक दो, ये गाना खत्म होने, what the heck, I got the better one bro, oh सरप्राइज भी हो और खुश भी हो, लेकिन दूसरी तरफ जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे, वहां पे वो जो फाइट है कार्पेडियम और वीएक्सटी की, वो स्टार्ट हो चुकी है, और वन साइडेड ये फाइट अभी तक तो वीएक्सटी के फेवर में जा रही है, और व्हीकल को भी पड़ा, वापस से वो यूटर्न मार करके गए, उन्हें लगा था कोई सही जगह पर वो जाएंगे, उन्होंने पियर्स को एक सही दिशा दिखाई, सही जगह बताई, लेकिन खुद जब घूम करके बैक एंड पर गए तो खुद की जो, और ऐसे में एट बेट उनकी भी चुनौती आ चुकी है, फ्यूरी वो तो खैर स्मोक के अंदर मौजूद थे, उन्होंने शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पे पलटवार किया जाएगा, आदित्य को सबसे पहले डाउन किया गया, एट बेट जो जाने जाते हैं अपने पहले मुकाबले में चिकन डिनर निकालने के लिए, अभी के लिए पूरी तरीके से बैकफुट पर जूसी, अब उनको वो नॉक निकालना पड़ेगा फ्यूरी के साथ उनकी फाइट, लेकिन फ्यूरी उन्होंने M416 से जूसी को डाउन किया, और देखते ही देखते एट बेट उनका सफाया, लेकिन फीनिक्स वो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए, और उन्होंने गॉड रेन को रिकवर करने का मौत का तक नहीं दिया, गॉड रेन का भी सफाया, ये वो IQ मूव था, आप जोन के अराउंड, आप एरिया के अराउंड स्मोक करते हैं और बगी के पीछे बैठते हैं तो TPP एंगल ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बट विंड गॉड के खिलाड़ी लिपोवका से मूव करते करते अब फीनिक्स के ऊपर आए हैं रहने वाली, और इन सबके बीच में एक बार फिर से सर्कल रेकनिंग के पास जाएगा, बट इसी बीच VXT वर्सेस टीम गॉडलाइक की वो फाइट होती हुई, पंक वर्सेस सोमराज और आइजल वर्सेस आइजल की उस बैटल में पंक ने वो एक नॉक निकाला जरूर है, लेकिन VXT वो भी काफी बेहतर पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, और रेडर वो बचते हैं, एक आखिरी खिलाड़ी वो आगे आएंगे जोनाथन, उन्होंने वो आखिरी फिनिश निकाला, और अपनी टीम को उन्होंने अभी भी बचाए रखा है, चार फिनिशेज आए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, वही कार्पेडियम के फियर्स जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उन्होंने टीम मोगो की मुश्किलें बढ़ाई, वहां पर एक फिनिश निकाला गया, देखना ये कि फियर्स क्या वो जाते जाते कुछ और पॉइंट्स लेकर के जा सकते हैं, ग्रेनेड का बढ़िया इस्तेमाल फियर्स के द्वारा, ये फियरलेस फियर्स है, तीन फिनिशेज उन्होंने निकाले, और अब मोगो उनके एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं, वन वन की बैटल फियर्स, वो चौथा फिनिश भी अपने खाते में लेके जाएंगे, कोई तो इस खिलाड़ी को रोकिए, शुरुआत में तीन प्लेयर्स गवाने के बाद फियरलेस फियर्स डिलीवर करते हुए चार फिनिशेस के साथ, व्हाट इज दिस सेमीफाइनल, क्या है ये पहला गेम, हर तरफ के ओस, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कोलाहल, हड़कंप मचा हुआ है, दिक्कतें होंगी जरूर, जोन आ रहा है, लेकिन एक नाइट के खिलाड़ी जहां पहुंचे वहां ऑलरेडी
उस घर के एरिया को अपना बनाने के लिए, उस जगह के एरिया को अपना बनाने की कोशिश करते के लिए यहाँ पर TWOB थी। एक खिलाड़ी प्रिंस ओजी को खत्म किया गया, साइरेक्स के कंधों पर भार आया, लेकिन उन्हीं के पास खिलाड़ी उतरे और रेकनिंग इग्नाइट गेमिंग के सामने एक चुनौती लेकर के बैठी है चिकन डिनर की। क्या ये सही मौका है डंके की चोट पर चिकन उठाने का? रेकनिंग तो ये सोच चुकी है। हंटर्स उनका एक बेहतरीन ग्रेनेड, एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया है और पीछे वो जो रिवाइवल का सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। बट एजन उनका पलटवार, हंटर को टेक डाउन किया गया, उनका हील बैटल करने के लिए जा चुका है। शायद अगर वो फाइट लेने के लिए आते चीजें कुछ अलग हो सकती थी, बट अब एजन उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी। अरोरा चलिए फाइनली वो आगे आते हुए नजर आएंगे, एजन उनको भी टेक डाउन किया गया और एक एक करके इग्नाइट गेमिंग के जो प्लेयर्स है वो फाइट लेने के लिए आ रहे हैं। अरोरा देखना ये कि वो कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। फिलहाल रेकनिंग के खाते में चिकन डिनर जरूर जा सकता है। एक पलटवार हंटर्स को टेकडाउन किया गया, लेकिन एक ग्रेनेड चीजें खत्म करेगा। कहते हैं पहला ही मैच है, बहुत सारे मैचेस बचे हैं, एचपी पे होने के बाद भी गॉड नहीं करना। और 12 मिनट के बाद वो पहला नॉक फिनिश देखने को मिला, लेकिन अब कार्पे डीएम को फाइट लेनी ही पड़ेगी। बट उनकी फाइट हुई गॉड स्ट्रेन से, जिस जगह पर आए वहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल, और वो मुश्किल ऐसी कि एक खिलाड़ी बचे हैं कमला बॉय, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया, अगला खिलाड़ी उनके सामने, एचपी दोनों की कम हो चुकी है, रीलोड करना था, उस रीलोड में फंस गए। और अभी आकर के एक टीम डोमिनेट करती नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ टीम ड्रैगन्स, एक और खराब गेम हो सकता है ये। आप अफोर्ड नहीं कर सकते बैक टू बैक खराब खेलना, और देखिए कहते ही कहते बोलते ही बोलते गायब हो गई टीम ड्रैगन्स इस लॉबी से इनके साथ। TWOB और उनका फॉर्म अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया, और पीछे तो देखिए ब्लाइंड भी यहाँ पे आती हुई सारंग को करा है डाउन। नोवा सुपर नोवा बनते हुए सारंग को टेक डाउन किया, और दूसरी तरफ लेजिट, जहां लेजिट आगे की तरफ को आ चुके हैं, लेजिट के हाथ में थ्रोएबल्स, तीन ग्रेनेड्स उनके पास, बटे मोलोटॉव, लेजिट को बच करके रहना पड़ेगा, उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हुए। लेजिट डाउन हुए तो सर्विट के ऊपर आएगा पूरा भार, लेजिट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा, लेजिट हुए डाउन, जोकर का वो नेड, बट जोकर खुद भी नहीं बच पाए, मेडल के टॉप डॉग, इज अ टॉप प्लेयर, वी ऑल नो दैट, एक अच्छा नॉक निकाला जरूर। एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है मीनवाइल, सर्विट उनके ऊपर से ड्राइव बाय करने की कोशिश, सर्विट की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, उनके टीममेट उनके लिए हेल्प करने के लिए आए, और प्रिंस ब्लू जोन का भी डैमेज उनके ऊपर आता हुआ। लेकिन अब TWOB के लिए एक प्रॉपर अग्नि परीक्षा, टीम एक्स पार्क उनका भी हुआ है पतन जोन, बट ओमेगा को मुझे लगता नहीं अंदाजा भी है MIT के बारे में, माइटी के पास सिर्फ स्मोक है, अगर ग्रेनेड या मोलोटोव होता तो वो कर सकते थे, लेकिन अब मौका जरूर पड़ेगा माइटी के पास। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया माइटी, ये क्या बेहतरीन तरीका था, और अभी भी वो क्लच करने के लिए तैयार बैठे हुए, आगे की तरफ अग्रसर हुए, एक और खिलाड़ी को डाउन किया माइटी। BMPS की एक हाइस्ट कर सकते हैं, HP उनकी सबसे ज्यादा है, कैंडल चैलेंजिंग द सन सिचुएशन, और यहां पर माइटी तैयार बैठे हुए मेडल के ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए, एक माइट, एक फाइट, एक अलग रोर दिखाने के लिए। 5 फिनिशेस, छठा सामने, सातवां सामने, और ये आठवें के साथ चिकन डिनर की मोहर भी लगा सकते हैं। हेट बेट, पहले मैच में चिकन मिस किया, दूसरे मैच में क्लोज आए, बट सेकंड प्लेस पे रह गए। कौन सी टीम सबसे ज्यादा अंक लेकर भी आएंगे अगर अच्छे गेम, और मुझे लगता है कि पंक साहब IGL वो समाप्त हो चुके हैं। जी हाँ, बट यहाँ पे टीम एक्सपर्ट के प्लेयर ने वो गाड़ी देखी और हील बैटल करते सरकार गेमिंग के उस प्लेयर को पकड़ा, डैश वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हील करते करते रह गए की जरूरत, और ये टीम जोन के बाहर फाइट लेते हुए आपको दिखाई देगी। पर सिली की जो फाइट है वो टीम रेकनिंग के साथ शुरू हुई, अक्षु वो डाउन करे गए, मॉर्टल वो भी नॉक करे गए, अब हाइड्रो का काम है कि कैसे ना कैसे करके अपने एक खिलाड़ी जो नॉक पड़े उनको रिवाइव किया जाए। ग्रेविटी, वो खिलाड़ी अकेले वहां पे फंस गए, उसके बावजूद उन्होंने फाइट ली, सिली के एक खिलाड़ी को नॉक किया गया, और अब ग्रेविटी IGL हार तो संभालने की जरूरत है। क्या सिली को नहीं पता है ग्रेविटी के बारे में, वो ऊपर ही तो है, और ग्रेविटी वो शॉट कैसे मिस किया उन्होंने, फाइनली वो नेट आया, ग्रेविटी हुए डाउन, रेकनिंग दे आर ऑन द बैक फुट, बट उनके बेस्ट प्लेयर वाइपर कोशिश वो भी कर रहे थे, एक प्लेयर को डाउन जरूर किया बट वो खत्म कर नहीं पाए, बट नेड्स वो अभी भी आ रहे हैं, टीम एक्स पार्क का आगमन हुआ है, सिली ऑलरेडी 2 प्लेयर नॉक है, और हाइड्रो उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी की वो खास कर पाए यहाँ से, और टीम एक्स पार्क और देखिए तो सही, 9 फ्रैग्स अब उनके पास है, बट वहीं पे इग्नाइट गेमिंग उनके खिलाफ RTGXIND हल्क, ही स्मैशिंग इट ऑल, ही स्मैशिंग देम ऑल, बट RTGXIND लॉबस्टर, एक नेड उनके हाथ पे, और नेड सही जगह भी जा रहा है, बट सामने प्लेयर ने हील किया, शॉटगन थी तो शॉट टू दे नहीं पाए, और अभी भी RTGXIND के लॉबस्टर वो स्प्रे कनेक्शन पूरी तरह से नहीं मिला, और पीछे से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो फ्रैग मिला उनको। XIND
उनका भी एलिमिनेशन आपको दिखाई दिया। सेम पिच में उनकी बहुत ज्यादा कम है, हील करने का मौका दिया नहीं जाएगा। एचपी और भी ज्यादा कम हुई, एक और ग्रेनेड उनकी तरफ आया था, पर न्यूमन वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की ये फाइट जहां पर मल्टीपल टीम्स अपनी दिलचस्पी दिखा सकती है। आश वो भी डाउन करे गए जंप कर करके ताकि कम से कम आवाज सामने जाए, वो आगे बढ़े बट अब उनके ऊपर स्प्रे आया, मुश्किलें बहुत हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी। और हमने तो पहले भी बात करी ना कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास लूट था ही नहीं। जॉनाथन उनको भी पता है कि मेरे पास फर्स्ट एड नहीं है, मैं जोन के अंदर जाऊंगा भी तो जाऊंगा कैसे, वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर नॉक होगा और वो नॉक हुए भी है पर विंड गॉड उनका आगमन हुआ। ऐश वो जोन के बाहर रुके रहे, एकमात्र फर्स्ट एड उस खिलाड़ी के पास है। ऐश वो निकलने की कोशिश कर रहे थे पर उससे पहले वो फटका पड़ा, होगा नहीं एंट्री कर पाना। बट ओरैंगुटान इनका भी आया एक शानदार कमबैक। और हैदराबाद हाइड्रास को देखिए, शुरू में हमने चर्चा करी इस बारे में कि उन्होंने अब एक प्लेयर करवा दिया था, उसके बाद जोन के सेंटर में वो गए थे और वहां से कितना बेहतरीन गेम अभी तक निकाला है इस टीम ने। मोक्ष वो भी डाउन करे गए इन्फर्नो स्क्वाड तीन मात्र अंकों के साथ उनका एलिमिनेशन। पर क्रिप्टो वो खिलाड़ी घूम के आया और उन्होंने ओजी का जो एक खिलाड़ी था उसका फिनिश वो लेकर चले गए और एकेओपी वो खिलाड़ी जोन के बाहर फंस गया। अगर वो फ्लैग निकालते बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, चले गए नीमन एक्स फॉरएवर के माफिया आगे, बट एक्स पार्क के प्लेयर शाडो को करा डाउन माफिया। वो लड़ना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं बट आज नहीं। बट एक्स पार्क को तो देखिए, हमने पहले भी कितनी बार चर्चा करी है इस टीम के बारे में और इस लॉबी को भी जताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। कैन यू फील द स्पार्क? यस दे कैन। हैदराबाद ये मुकाबला उनके लिए शानदार रहेगा। पर सारंग एक ग्रेनेड आया, क्रिप्टो वहां पर डाउन करेंगे, क्रिप्टो का एलिमिनेशन वाटर में। वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, पर हाइड्रो को आप देखें कि वो पलट सकते हैं इस मैदान को, बहुत सारे फिनिशेस वो निकाल सकते हैं, प्लेसमेंट पॉइंट वो अपनी टीम के लिए ज्यादा निकाल सकते हैं, पर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं करा। वो जोन के बाहर चले गए और कहीं गलती से भी हाइड्रो उठे और लाइनअप में दोनों खिलाड़ी आए तो हाइड्रो अभी भी वो चिकन डिनर निकाल सकते हैं। हाइड्रो के पास पूरा मौका वो चिकन निकालने का, वो धीरे धीरे पहुंच चुके हैं जोन के अंदर बट वो शॉट मिस किया, वो रिफ्लेक्स देखिए उनके ऊपर। बट मुझे लगता है कि अभी भी आलू नामक को अम्ब्रे अंकिन के पास भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, अभी भी वो टीम बहुत ज्यादा ऊपर है। और सबसे पहली जो फाइट है वो टीम एक्स पार्क, उन्होंने शुरू कर दी, गॉटन नॉक करेंगे, उनका एलिमिनेशन भी हो गया। जी हाँ, जोकर के पास वो फिनिश गया लेकिन अभी के लिए उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिल रही है। DBS के साथ आगे जाने की कोशिश, जोकर वो एक और नॉक निकालेंगे, एक और फिनिश सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। जब आपका एक इंडिविजुअल प्लेयर इतना ज्यादा घातक साबित हो रहा है तो टीम तो 27 अंक का चिकन डिनर लेकर के जाएगी। और बीच में बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि जोकर उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे, शायद वो टीम एक्स पार्क की कमजोर कड़ी है। बट ना मुझे तब ऐसा लगता था ना मुझे अभी ऐसा लगता है, जिनके बारे में चर्चाएं की थी हमने वो यही थी, इसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। और बट इसी बीच टीम ब्लाइंड के नोवा, ये खिलाड़ी काफी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिलता है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस बहुत ज्यादा है। एडबेट उनको भी पता है कि जल्दी से जल्दी इस एक खिलाड़ी को आप खत्म कीजिए क्योंकि पीछे से वो जो कैवलरी है वो पूरी तरीके से आ जाएगी। नोवा उन्होंने एक और प्लेयर को स्पॉट किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया है उन्होंने जूसी पर। उसके अलावा और कुछ करने के लिए आपको फाइट लेने के लिए जाना पड़ेगा, पर जूसी वो आगे बढ़े और इतनी कम एचपी होने के बावजूद उन्होंने खिलाड़ी को डाउन करा। सौरभ वो फाइट लेने के लिए जा रहे थे, उनका एलिमिनेशन ब्लाइंड क्योंकि तीन खिलाड़ी तो निकल गए और वो जोन के अंदर भी आए थे। जोन का अगला शिफ्ट आया, ओजी के खिलाड़ियों के पास जोन का पूरा एडवांटेज है पर इन सबके बीच में TWO भी, वो भी आ चुके हैं, कनेक्शन वो अभी के लिए आएंगे नहीं। और मिडिल की बात करें वो बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को रीपोजिशन करते हुए नजर आए हैं। जोकर उनके कंधे पे एक बार फिर से जिम्मेदारी और आप वो अग्रेशन तो देखिए जोकर का, वो शॉट लेने की उनकी कोशिश जरूर थी बट वो पूरा हुआ नहीं। वही दूसरी तरफ डेल्टा पीजी ने अपने ही खिलाड़ी के ऊपर ग्रेनेड कर दिया, ब्लिस के साथ वो फाइट चल जरूर रही है और अभी के लिए मोगो थोड़ी दिक्कतों में। फाइनली जोकर वो आगे बढ़े और उन्होंने एक और नॉक निकाला, ये ग्रेनेड सारंग का बहुत ज्यादा शानदार रहा जहां पर मेडल के खिलाड़ी डाउन किए गए, साहिल वो भी नॉक, इनको जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ। टॉप डॉग एचपी 3 ज्यादा कम हुई कि वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गए। पैराडॉक्स वो बचे रहेंगे अपनी टीम से अकेले पर टीम एक्स पार्क उनका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। और जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वो भी प्ले जोन का शिकार हुए। बस मुझे ये देखना है कि टीम एक्स पार्क ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने आप को सर्कल के अंदर पोजीशन करते हैं। बट अभी के लिए टीम 8 बिट की जो फाइट है वो इन्फर्नो के साथ, इनफैक्ट सिटी के साथ स्टार्ट होगी जहां पे इन्फर्नो को डाउन किया गया, वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे माइटी। स्टोरी फॉर देम, अभी के लिए मात्र एक खिलाड़ी बचे रेवन और देखना यह कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। चलिए वो ग्रेनेड बेहतर था, वहां पे स्प्लैश डैमेज बहुत ज्यादा आ चुका है, एक और शॉट का कनेक्शन और उनको भी काफी आसानी से टेकडाउन किया जा सकता था लेकिन उन्होंने एक नॉक जरूर निकाला है
और फाइनली मात्र एक अंक के साथ टीम ड्रैगन्स उनका भी सफाया। पर न्यूमन फॉरएवर वो भी आए इस फाइट के अंदर, ओजी वो भी गए थे उस फाइट के अंदर, पर न्यूमन फॉरएवर वो थोड़ा सा लेट कर गए, वो पहले जोन के अंदर जाना चाहिए था, पर वो एक दिक्कत हुई उनके लिए, ओएस उनके लिए दिक्कतें बढ़ाई गई। आश वो भी खिलाड़ी मौजूद था, पर सामने से कोर्टनेड आए कि ओपी वो भी डाउन कर दिए गए। अब डिपेंड करेगा कि सबसे पहले एलिमिनेट कौन होता है, पर आतंकी उन्हें तो फिनिशेस चाहिए, साइरेक्स वो एलिमिनेट हुए, और ओजी के बारे में इतनी चर्चाएं हो रही थी चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब। जी हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल जो विस्गॉड ने यहाँ पे क्रिएट करा है, और टीडब्ल्यूओबी के एक और प्लेयर को डाउन किया गया। पर सर्वित उन्हें वहां से सबसे पहले निकलने की जरूरत पड़ी, पर एक ग्रेनेड करीब आया और सर्वित को उस ग्रेनेड से डैमेज पड़ा है। प्रिंस फाइनली वो भी थोड़ा सा आगे बढ़े, विस्गॉड उनके पास भी वो ग्रेनेड है, सर्वित कुछ खास वहां से कर नहीं सकते, प्रिंस उनको डाउन करा गया आतंकी के द्वारा। और वो जो वे वर्सेस ग्रुप सी को मेरा बाद में भी खेलते हैं, और वहां वो जो प्रेशर है वो भी उनके ऊपर कम, मुझे पसंद आया टीडब्ल्यूओबी का। देखना इंपॉर्टेंट है आगे होगा क्या, बट गॉट रेन, चलिए उन्होंने क्रिप्टो को स्पॉट किया और वो जो फिनिश है वो भी सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। जरूर है फ्यूरू के रूप में, लेकिन उनको ही बचा लिया जाएगा। बट अभी के लिए मोगो वर्सेस फीनिक्स की है फाइट, जहां पे फीनिक्स ने एस पावर को फिनिश ऑफ किया है। वो शुरुआती झटका लग चुका है मोगो को, और ये क्या बेहतरीन पलटवार हमें शयान का देखने को मिलता हुआ, वो एक और खिलाड़ी को डाउन करेंगे। बट चलिए फाइनली जस्टिन आगे आएंगे, उन्होंने वो नॉक जरूर निकाला है, बट देखना इंपॉर्टेंट की टीम मोगो क्या ये फाइट अभी यहां से निकाल भी पाएंगे या नहीं। काफी इंटरेस्टिंग वहां पे एक चीज हुई कि जो नॉक किया था यहां पे जस्टिन ने प्लेयर, उस प्लेयर ने वहां पे अपना वेपन दे दिया उस नए प्लेयर को जो आए थे उनको बचाने के लिए। अगर आप देखें आरटीजी एक्स आईडी वहां पे है, गॉड्स रेन वहां पे है, वीएक्सटी गेट कीप कर सकती है, बट यहां पे कार्पे डियम अटैक करना है, जोन के अंदर घुसना है, तो रेकनिंग से पंगा तो लेना पड़ेगा आपको। और दोनों ही टीम्स ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया फायर पावर कैरी करती है, फियर्स को डाउन किया जाएगा इमॉर्टल के द्वारा, और ये भी पुराने टीममेट्स जो भी एक दूसरे के सामने हमें देखने को मिल जाएंगे। मैक्स अब उनके कंधे पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और बढ़िया स्प्रे वहां पे कनेक्शन भी आया, इमॉर्टल वो एक ऑफ गार्ड एंगल क्रिएट करने के लिए जा रहे थे, बाकी का काम पुकार ने कर दिया, लेकिन ये बेहतर पलटवार जो हमें देखने को मिल रहा है, एक बढ़िया ग्रेनेड जो इतना ये कि वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। चलिए विंगॉट के रेक्स को उन्होंने स्पॉट किया, वो जो फिनिश है वो सिक्योर करना चाहते हैं, और फिनिश सिक्योर भी करेंगे, का मौका रहेगा नहीं, देखना ये कि वो सर्कल के अंदर किस प्रकार जाएंगे। बट टीडब्ल्यूओ भी उनके सामने 8 बिट की वो जो चुनौती है वो हमें देखने को मिल रही है। सर्वित है और देखता ये कि वो 1v1 की बैटल मैच जीत पाएंगे या फिर नहीं, बट सर्वित उन्होंने डिनाई किया मैच को, और वो जो फिनिश है इट माइट बी पॉसिबल की वो भी लेते हुए नजर आए। इनफैक्ट लेजेंड वो थे जिन्होंने नॉक किया है, और वो फिनिश उनके खाते में जा सकता है, बट अभी के लिए टीम लिमरा सर्कल के बाहर फंस चुके और एक बार फिर से हील बैटल करने के लिए मजबूर, बट टीडब्ल्यूओबी 9 फिनिशेस उनके खाते में। मैच में आतंक और इनका भी जो एवरेज प्रदर्शन है वो जारी है, पहले दो मैचेस में 20 थे, अब 8 आए, दे आर प्लेइंग रियली वेल, बट गॉड्स के फैन तब अपनी टीम के एक प्लेयर और वो भी वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे, 8 बैट उनका भी यहाँ पे समापन। पर टीडब्ल्यूओबी को देखिए 10 फ्रैग ऑलरेडी उनके पास है, जोन के अंदर अभी वो नहीं है, फॉर्म हो चुका है कि हाँ ये क्वालिफाई करके जाएंगे ही जाएंगे, इतना ज्यादा कंसिस्टेंट गेम प्ले उन्होंने अभी तक दिखाया है, इतनी हील बैटल का एग्जीक्यूशन। मुझे लगता है कि आज जिम्मेवारी दी गई है स्पिरोस को कि आप हर मैच में हील बैटल कीजिए, हम देख लेंगे बाकी सब, और वो कर भी यही रहे हैं, तभी उनको पोजीशन के अंक वहां पे मिल रहे हैं इस टीम ने, और पहले के सारे राउंड्स के अंदर प्रूव किया अपने आप को, और इस बार भी कुछ वैसा ही चल रहा है। दिक्कत की बात यह कि इग्नाइट की पोजिशनिंग पूरी तरीके से रिवील्ड है, पीछे से ब्लू जोन का प्रेशर भी आएगा, और ये एक बेहतर ग्रेनेड जो वर्मी थॉर की तरफ से आया, और आप देखिए तो सही कितना बढ़िया उन्होंने खेला है 3 मैचेस में 28 आपने निकाल, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप प्रो टूर्नामेंट खेलते हैं आपको प्रोस की तरह खेलना पड़ता है, बट यहाँ पे देखिए ब्लिस के एगी वो भी खेल रहे हैं एक प्रो की तरह, वो बस होल्ड कर रहे हैं, ये नो फुट स्ट्रेटजी है एगी के पास, पूरा मौका यहाँ पे रहेगा कि नॉक को निकाल सके, बट सारंग के ऊपर स्प्रे करने की कोशिश, शॉट बहुत ज्यादा मिस करे, और सारंग कितनी बारीकी से वो प्लेयर बच के गया है उस कंपाउंड के अंदर, पर जम करके यहाँ पे एगी भी आए हैं, लेकिन सारंग मिस्टर डिपेंडेबल फॉर टीम एक्स पार्क एक बार फिर से अपना करिश्मा दिखाया, बट टीम ब्लिस they want to fight it out with X-Park. Sam Bliss की तरफ से उस एरिया के नीचे की तरफ को AJ भी पास में आ चुके हैं, और टीम X-Park के सारंग को चलिए अब टेक डाउन किया जाएगा, और अब नंबर्स को इवन स्टीवंस करने की बारी आ चुकी है, लेकिन क्या टीम X-Park के बाकी खिलाड़ी यहां फाइट लेने के लिए तैयार रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल। मैं थोड़ा सा हैरान हूं यहाँ पे टीम X-Park, आखिर आप कर क्या रहे हो, गलती वहां पे स्प्रे गॉड की तरफ से जाएगा, और बैक साइड पर इन्फर्नो स्क्वाड आ चुकी है, ऐसे में टीम X-Park के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। जोकर उन्होंने एक स्प्रे किया, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया भी है, फर्स्ट एड लगाएंगे या फिर स्मोक्स अपने टीममेट की क्रेट को लूटते नजर आ सकते हैं, बट एक और साइड से ऐसा ना हो कि कहीं लेने के देने पड़ जाएं। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एडविनो वहां पे जोनाथन को पिक करने के लिए आए, बट वो गाड़ी पे बैठे नहीं, वहां पे वो स्मोक करना चाहते थे, और ये गलती साबित हुई, जोनाथन उनको करा गया डाउन था स्मोक करने का वहां पे,
और यहाँ पर एक डिप के एरिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट होती हुई जहां पर हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी मुश्किलों में आ चुके हैं। टर्मी ये ऑलरेडी पहले भी क्लचेस कर चुके हैं, ये वापस से इनको बचाने के लिए, बट वहीं दूसरी तरफ एक और फाइट की शुरुआत होती हुई। रेकनिंग ईस्पोर्ट्स काफी तेजी से यहाँ पे आक्रमण कराया, न्यूमन एक्स फॉरएवर की मुश्किलें बढ़ाई भी है उन्होंने, लेकिन हंटर्स शॉटगन मास्टरी इनके सामने आप लेके बताइए कोई भी शॉटगन, बिकॉज इनके पास वो स्किल सेट है जो आपको जरूर पीछे धकेलेगा। और वही हुआ, हील किया, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल सही तरीके से करने की कोशिश, लेकिन लोकेशन पता चल चुकी थी। माफिया आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, वो एक ग्रेनेड इमॉर्टल और वाइपर को हम्बल डाउन करेगा। ग्रेविटी आईजीएल उनके ऊपर भार, रिवाइव करने का मौका नहीं देना चाहिए माफिया को, माफिया को नीचे जाना चाहिए। और वही वो करते हुए उस नॉक प्लेयर को उन्होंने खत्म किया। माफिया के पास पूरा मौका, ही टेक्स अनदर वन डाउन। एक 1v4 की प्योर बैटल में माफिया एक नया इतिहास रचते हुए, लेकिन अभी भी 1v1 जीतना बाकी था जो वो कर नहीं पाए। हंटर्स जो खिलाड़ी टेक डाउन हुआ था, दूसरे खिलाड़ी का फिनिश पॉइंट नहीं देंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये फाइट के लिए तैयार। आरटीजी आईएनडी के खिलाड़ियों के ऊपर एक एक करके टेक डाउन कर रहे थे, बट लॉबस्टर और रीडॉन इन्होंने दो अलग एंगल से फनलिंग बनाई के अंदर बैठना चाहते थे, फिर सिली के खिलाड़ियों की साइड पर वो गए, बट अब यहां पर रुकना पड़ेगा। और ये अगला ग्रेनेड व्हीकल ने पूरा डैमेज होल्ड किया है। टॉप डॉग बैकेंड से भी टीम्स आ सकती हैं। वीएक्सटी के इंफिनिटी को टेक डाउन किया गया और अब सिली के खिलाड़ी मूव करते हुए आ रहे हैं एक एक करके एक एक के ऊपर। मेडल के खिलाड़ी फाइनली यहां पर खत्म हुए। क्रूशियल ये मुकाबला चल रहा है ओशन, हर एक प्लेयर हर एक अन लगा रहा है कि वो चिकन निकाले, बट वेंट गॉड हवा की दिशा को बदलने के लिए टीम का हुआ है आगमन। आज पूरे दिन में थर्ड पार्टी पे फोकस किया है इस टीम ने, बट सिली विंड गॉड ने पूरा सर्कल ही पकड़ लिया। ड्रीम्स का लोकेशन बैक साइड का है, ड्रीम्स वहां से आखिरी खिलाड़ी को स्पॉट कर सकते हैं। इन्फर्नो को भी खत्म किया जाए, पिक्चर है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। ओरांगुटान